Visit of Amur Falcons at New Tumbung near Umrang Sow attracts huge tourist footfall. Following an awareness campaign by forest officials, NGOs and locals, no falcon is being killed or disturbed during their roosting at New Tumbung near Umrang Sow, thereby increasing the number of falcons attracting huge tourists. Amur falcons come each year during the months of October and November to roost at Tumbung village near Umrang Sow in Dimahasaw, Assam. Like every year, this year Amur falcons, the longest traveled migratory birds, have started their arrival at New Tumbung near Umrang Sow from the last week of October and continue up to the last part of November. हर साल की तरह इस बार में भी उमरांग सो में जो है अमूर फैल्कन आना शुरू हो गया है और यहाँ पे 30 से 35 दिन तक इसी जगह पर रहता है। और हम सबको पता है कि अमूर फैल्कन एक सबेरा से शुरू करके यहाँ उमरांग सो तक उसका रोस्टिंग हब है और हर साल अक्टूबर महीने का लास्ट महीना तक और नवंबर महीने का फर्स्ट वीक तक यहाँ पर ही रहता है। और लोगों का ये कहना है कि हर साल दिन ब दिन जो है ये अमूर फैल्कन जो है इसका जो है बढ़ते जा रहे हैं। और एक तरफ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ का लोग जो है पहले इसको मार के खाया करता था, लेकिन आजकल धीरे धीरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनजीओस के द्वारा जो है अवेयरनेस क्रिएट होने का वजह से और यहाँ का लोग अभी जो है इस अमूर फैल्कन को प्रिजर्वेशन के लिए सभी गाँव के लोग लगा हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि अभी जो है पूरी तरह से यहाँ का जो किलिंग जो है अमूर फैल्कन को मारना जो है पूरी तरह से बंद हो गया है। और हर साल नवंबर महीना और अक्टूबर महीने के लास्ट वीक और नवंबर के फर्स्ट वीक तरफ में हमेशा से यहाँ से अमूर फैल्कन फेस्टिवल के नाम से भी फेस्टिवल किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट का सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल भी इस अमूर फैल्कन को माना जाता है। Aiming to create awareness among the people about the conservation of Amur falcons, the longest traveled migratory birds, an annual event named Falcon Festival happens every year at Umrang Sow in Assam. This year, 9th edition of the Falcon Festival will be organized from November 30th to 2nd December. Last year, tourist footfall accounted for several lakhs, which has encouraged the Falcon Festival organizers to hold the event in a big way. DFO Tuhin Langthasa, talking to the media, said seeing the increasing number of Amur falcon, the winged guest of Dimahasaw, the forest department has taken various steps to ensure the safety of these migratory birds and the amenities for the tourists and bird lovers. Forest officials have prepared the area so that none can disturb the birds. फैल्कन हर साल की तरह इस बार बहुत फैल्कन आया हुआ है और इस बार तो लास्ट ईयर से भी थोड़ा ज़्यादा है जैसे लगता है। लेकिन लास्ट ईयर हम लोग उसमें सेंसस कंडक्ट किया था, उसमें सर्वे भी किया था, लेकिन इस बार तो उन्होंने अभी कुछ ऐसे तो नहीं किया है, सेंसस नहीं किया है, सर्वे नहीं किया है। अभी राइट नाउ जैसा हम लोग देख के लगता है कि एवरी ईयर से लास्ट ईयर से इस बार ज़्यादा है ऐसा लग रहा है। ये इस बार अभी नहीं हो कि भी सितंबर लास्ट से शुरू हो गया, सितंबर से आना उसको कुछ लिमिटेड नंबर से आना शुरू होगा, तो उसका बाद अभी कंटिन्यू है। अभी भी फैल्कन अभी भी है नंबर्स में क्वाट ह्यूज नंबर है। और हम लोग अभी लेने के उसका प्रोटेक्शन के लिए हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग पूरा स्टाफ होल फ्रॉम द इवनिंग टिल द मॉर्निंग अपना जब तक लोग वहाँ रोस्टिंग एरिया से नहीं निकलता है तब तक हम लोग ड्यूटी में लगा रहता है होल नाइट। और उसमें हम लोग खुद जाने से वहाँ जाके देखने से भी हमको देखने मिलेगा कि रोस्टिंग एरिया में किस तरह हम लोग ड्यूटी करता है। और इस बार कोई इंसिडेंट नहीं है कि हम लोग का वहाँ पे कोई मारने का चिड़िया मारने का कुछ होने का कोई इंसिडेंट नहीं है। और अभी जो विंग गैस जो हम लोग का जो आ रहा है बाहर से उन लोगों को सही तरह से बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दे के रखा है। एज पर लास्ट ईयर का रिकॉर्ड का हिसाब से सर्वे के हिसाब से तो 10 to 12 लक्स हो रहा था, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार तो उससे ज़्यादा है, तो इस बार 14-15 लक्स होना चाहिए ऐसे देखने में। बढ़ रहा है मतलब कंटिन्यूस 2-3 ईयर्स से एवरी ईयर हम लोग के यहाँ पे फैल्कन आना बढ़ रहा है। अभी ये चीज़ रिसेंटली हम लोग WIA का साइंटिस्ट सुरेश कुमार जी के साथ हमने बात किया था, तो उस टाइम में उनके बोला यहाँ पे उमरांग सो में ये नंबर्स इंक्रीज हो रहा है।
बिकॉज अभी वो लोग हमेशा ये चीज है, फैल्कन बोलो जो भी इंसान एक जानवर बोलो, एक सबसे बड़ा इंस्टिंग एक है कि ये लोग सेफ्टी सेफ्टी और हम लोग के यहाँ पे फूड का अवेलेबिलिटी, ये दोनों चीज़ अवेलेबल है, इसीलिए इन लोग का नंबर्स इंक्रीज हुआ है। डेफिनेटली पब्लिक का अवेयरनेस है और प्लस पब्लिकली अभी इतना अवेयर हो गया कि फैल्कॉन का प्रिजर्वेशन से क्या 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 चीज़ फ़ायदा हो सकता है, कि फैल्कॉन का प्रिजर्वेशन के थ्रू उनका लाइवलीहुड में कितना जो भी हो एक इनकम जनरेशन होता है, स्पेशली इन दिस टाइम ऑफ द ईयर एज वी आर सेलिब्रेटिंग फैल्कॉन फेस्टिवल। फैल्कॉन फेस्टिवल भी जो सेलिब्रेट कर रहा है उसके वजह से वो लोकल लाइफ जो है बहुत सारा इन उनका इनकम भी होता है, कुछ कुछ अभी अभी वो 1-2 महीने के अंदर में ये टाइम से ही लोग कम से कम 3-4 महीने का वो लोग अपना लाइवलीहुड वो चला सकने के लिए वो कैपेसिटी आ जाता है, इसके वजह से शायद लोग फैल्कॉन का प्रिजर्व कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा एम्फेसिस वो लोग खुद ही दे रहे हैं, हम लोग भी हैं और प्लस गांव वाला लोग भी और लोकलाइज लोग भी पूरा फुल सपोर्ट दे रहा है। हाँ इस बार फैल्कॉन फेस्टिवल हो रहा है, इस बार भी 31 एंड 2, तो देखिए और एवर जागरूक इज नॉट ओनली अवेयरनेस। इस बार का हम लोग का थीम है कि फैल्कॉन फेस्टिवल का बोथ अवेयरनेस एज वेल एज प्रमोशन ऑफ द मासाउ टूरिज्म, मेन एम्फेसिस हम लोग का ये दोनों चीज़ में, प्रोडक्शन एज वेल एज प्रमोशन ऑफ टूरिज्म।